हेलो बच्चों, एजुकेशन वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनमोल श्रीवास्तव आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूँ। कैसे हो बच्चों? आज की जो टॉपिक है ना बेटा, वो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। पोटेंशियल एक ऐसा टॉपिक है ना जो अपने आप में बड़ा एनर्जेटिक है, बड़े मजेदार टॉपिक है। जितना आप मतलब सोच सकते हो ना कि सर यार ये सर थोड़ा सा और मजेदार बनाया जाए, उतना मजा लाने वाला ये टॉपिक है पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस भी उतना ही मजा लाने वाला टॉपिक है। तो आज की इस क्लास में ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है फिजिक्स में। एक्चुअल में आप फिजिक्स ऐसे आपको टच करके निकलेगी चीजें, ठीक है। तो आज की जो क्लास है ना बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो आज हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को स्टडी करेंगे। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके, और फिर वीडियो को देखना शुरू करते हैं। चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। बेटा पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में सबसे पहला टॉपिक जो अपने पास आता है ना वो होता है क्या, पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? पहला टॉपिक अपने पास पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। तो ध्यान से देखना, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता के रखा था कि कोई चार्ज होगा ना, तो उस चार्ज की चारों तरफ एक एरिया होगा, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मान लिया कोई अदर चार्ज है जो इनफाइनाइट पे रखा है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट से हम कैरी करके इसको कहां लाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से ऐसे 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 करके कहां लाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, ठीक है। तो हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके कहां लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो टोटल हमने वर्क किया ना, जो टोटल हमने काम किया बेटा, उसी टोटल वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल अपने पास, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यू इनफाइनाइट से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो टोटल वर्क डन होता है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। एट दैट पॉइंट, ये क्या है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट हमने सपोज मान लिया कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ए हो जाएगा। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। अब इनिशियली चार्ज हमारे पास कहाँ था, इनफाइनाइट पे था ना। अब हमारे पास कहाँ आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पर आ गया है। अब ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं इस चार्ज को ए से कैरी करके कहीं और लेके जाने के लिए, तो मैं इसको कहता हूं आ जाओ बेटा, आ जाओ करके यहाँ पे लेकर के आते हैं। कहाँ पे, इसको बी पॉइंट पर लेकर के आते हैं। ए पॉइंट से इसको कैरी करके कहाँ लेकर के आते हैं, बी पॉइंट पर लेकर के आते हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर लाने में जो हमारा टोटल वर्क डन हुआ है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, ए से बी तक लाने में जो हमारा टोटल वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन को बोलेंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, बिटवीन बोथ पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने पास बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना दो पॉइंट्स के बीच का जो वर्क डन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ठीक है। और इसके बीच का जो वर्क डन हुआ डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वही क्या हो जाएगा अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ए और बी के बीच जो आप वर्क डन कर रहे हो ना, इसी वर्क डन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमें आता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना, इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस का हमें फार्मूला निकालना हो ना, तो हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q, और यहाँ पे इनफाइनाइट पे एक चार्ज रखा हुआ क्या, Q नॉट रखा हुआ है, ठीक है। हम इसको चाहते हैं इस Q से R डिस्टेंस तक लाने में,
यहाँ पे पॉइंट पी है जहां पे हम इसको लाना चाह रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट से कैरी करके इसको आर तक लाना चाहते हैं। देखना बेटा, इसको मैंने पहले खींच करके मैं कहां तक लेकर गया है, एक फाइनाइट पॉइंट लेकर गया है। सपोज ये हमारे पास पॉइंट है क्या, क्यू, क्यू ना रखें, क्यों वरना चार्ज आप अज्यूम कर लोगे, है ना, तो इसको हमें क्यों नहीं रखना है। ठीक है, हम इसको कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, मान लिया ये पॉइंट एस है हमारे पास, एस तक लेकर क्या है। अब यहां से हम इसको खींच करके कहां लाएंगे, इसको सीधे आर डिस्टेंस तक लाना है, लेकिन हमने एस से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर करवाने में, ठीक है बेटा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कितना डी आर करवाने में हमने वर्क डन निकाला, कि थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड डी आर करने में हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड डी आर करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ये हम निकाल लेंगे। और जैसे ही हमने ये निकाला ना, तो देखो बेटा, अरे थोड़ा, चलो इसको आर ना लेकर के आपको एक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपके बुक में एक्स लिखा होता है तो आप एक्स ही लिख लो। इसको हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स करवाने में कितना वर्क डन किया है ये हम निकाल लें, तो हमारे पास सारा काम हो जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मान लिया ये पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास है कितना, एक्स है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, हमें ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन, कि हमने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स करवाने में कितना वर्क डन किया है ये फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इनफाइनाइट से लेकर के आर तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास टोटल वर्क डन निकल आएगा। इनफाइनाइट से लेकर के आर तक का टोटल वर्क डन निकल आएगा हमारे पास, कि हमने टोटल कितना वर्क डन किया है। तो जैसे हम इसको टोटल वर्क डन निकालेंगे ना, कहां से, इनफाइनाइट से आर तक, एफ इंटू डीएक्स, और f की वैल्यू रखा हमने क्या, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट लग गया इनफाइनाइट टू r, और क्या हो जाएगा dx। आप जैसे q क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट को बाहर लोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपके पास फार्मूला कितना क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा -1/4 पाई एप्साइलन नॉट q क्यू नॉट अपॉन r। अब ध्यान से देखो बेटा, ये अपने पास वर्क डन कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपका वर्क डन क्या है, आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। आप चार्ज को कैरी करके, ध्यान से सुनना, आप चार्ज को कैरी करके इधर की तरफ ला रहे हो, फोर्स इसको रिपल कर रहा है, अपोजिट भेज रहा है, जाने मतलब फोर्स के आप अगेंस्ट काम कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। तो ये माइनस साइन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका वर्क डन क्या है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, जाने। तो अब हम इस नेगेटिव साइन को हटा भी सकते हैं यहां से, क्योंकि हमें तो पता चल गया नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शोज डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अब यहां से हम पोटेंशियल का अगर फार्मूला निकाले ना बेटा, तो V इज इक्वल टू आपको पता है W अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट होता है। W की वैल्यू हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर होल अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास V का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ओ क्यू नॉट तो कट गया, क्यू नॉट हट जाएगा यहां से, हमारे पास क्या बचेगा, क्यू अपान आर हो जाएगा, क्यू अपान क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पोटेंशियल का फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला हो गया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला बनता है ना, वो किसका बनेगा, जल्दी से बता दो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या बनेगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, ये ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जाता है ना कि डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मान लिया एक रैंडम कोई पॉइंट है हमारे पास यहाँ से,
ठीक है, वो ना तो एक्सिस पर है ना इक्वेटोरियल पर है, ये मैंने टर्न कर दिया क्योंकि ये बराबर बना नहीं, तो फिर हमने टर्न कर दिया। चलो इसको सही कर लेते हैं कि यहां से ये पॉइंट है अपना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पी है, जहां पे क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट रखा हुआ है, यहाँ पे एक माइनस का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आर हमने ले रखा है, ये डिस्टेंस आर वन है, ये डिस्टेंस आर टू है, ये किस एंगल पर है, थीटा है, और ये भी कितना है, थीटा एंगल या समथिंग, थीटा डेल्टा या डेल्टा एंगल पे मान लिया। तो लेकिन हमें हमें ध्यान से देखना बेटा, हम थोड़ा सा एक स्पेशल कंडीशन लेंगे, स्पेशल कंडीशन इन द सेंस कि हम लेंगे ना कि ये लगभग लगभग आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, लेकिन वो आगे की बातें हैं जब डेरिवेशन को हम करेंगे। अभी हमें ध्यान देना है इस पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू डायपोल कितना होता है, ध्यान से समझिएगा। इसके पोटेंशियल की वजह से ना, पोटेंशियल की वैल्यू जो आती है ना, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² ठीक है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमें समझना है। अगर हम एक्सिस की बात करें, ठीक है, एक्सिस की बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाता है 2cos थीटा, डन है, क्या आ जाता है, 2cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 2cos थीटा यहाँ पे हम वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी 2cos थीटा नहीं, 2cos थीटा-1, ठीक है बेटा, 2cos थीटा-1 हो जाता है, ठीक है, 2cos थीटा-1 हो जाता है, 2cos थीटा-1 हो जाता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से समझेगा, जब हम एक्सिस की बात करेंगे ना, देखो बेटा, अब इसके लिए हम जनरल इक्वेशन एक बनाना चाहते हैं ना, जनरल इक्वेशन बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है थोड़ा सा कि हाँ वो एक्सिस पे भी काम करे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी काम करे। अगर हम एक्सिस की बात करेंगे, थीटा हमारे लिए कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो अपने पास वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1, है ना, और वैल्यू क्या मिलेगी, P/r², ये हो जाएगी क्या, एक्सियल पॉइंट के लिए, ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, एक्सियल पॉइंट के लिए। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ध्यान से सुनना, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए वी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, 0 हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो एक्सियल पॉइंट पर हमारे लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो रही है, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ड्यू टू डायपोल हो जाएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करें कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है और उस डायपोल को ले जाकर के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर टॉर्क कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक डायपोल है ना, डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है टॉपिक अपने पास, डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। अब यहाँ पे हमें ये डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो मान लिया अगर हमने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है, ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके एक डाइपोल रख दिया है, क्या रख दिया बेटा, डाइपोल रख दिया, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर रख दिया, ठीक है, थीटा एंगल पर क्या रख दिया डाइपोल, ये -Q चार्ज और ये +Q चार्ज, ठीक है, इस पर फोर्स इधर की तरफ और इस पर फोर्स इधर की तरफ, डन है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये डाइपोल हमने रखा तो ये रोटेट होगा, ठीक है, रोटेट होगा, और रोटेट होगा तो इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, ठीक है बेटा, इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, है ना, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है, तो टॉर्क ऑन डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टाउ इज इक्वल टू P/e, डन है। इस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, P/e, और टाउ की वैल्यू आ जाती है P(e)sin θ, ठीक है बेटा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, P(e)sin θ हो जाती है, ठीक है, ये टॉर्क की वैल्यू है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने इस टॉर्क को ले जाकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सॉरी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस पर टॉर्क लगा कितना, P(e)sin θ, जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी
है ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल के रोटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करवाया, कितना, डेल्टा थीटा, कितना रोटेट करवाया बेटा, डेल्टा थीटा, ये थीटा है अपने पास, इसको मैंने कितना रोटेट करवाया, डेल्टा थीटा करवाया, तो डेल्टा थीटा करवाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एफ ना लग करके क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा, है ना, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लीनियर फोर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, रोटेशनल फोर्स, तो टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा कहाँ से, थीटा वन से, थीटा टू, और पीई क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। अब जैसे साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस, ठीक है, थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन हो जाएगा बेटा, है ना। अब इसके बाद इसको आप वैल्यू पुट करोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पीई, और यही वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब ये तो हमारे लिए जरूरी है ही, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल इसी में पूछ इसमें भी पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और गलतियां हमसे कहाँ होती है ना, हम सीधे वही टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, वही फोर्स वाला टॉर्क वाला लगाए चले जाते हैं और गलत हो जाता है। हमें ध्यान रखना है थीटा वन से थीटा टू तक अगर हमने रोटेट करवाया है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इसके बाद अपने पास आता है बेटा, इसके बाद अपने पास आता है मोबिलिटी, क्या आता है टॉपिक, चलो इसके बाद में हम मोबिलिटी छोड़ थोड़ी देर के लिए, अगले चैप्टर में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास टॉपिक आता है क्या, कैपेसिटर, ठीक है बेटा, क्या आता है, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, क्या होता है बेटा, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है, कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है, जिसका काम होता है क्या, कि एनर्जी को स्टोर करना, क्या करना, एनर्जी को स्टोर करना। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका काम है एनर्जी को स्टोर करना, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, चार्ज के फॉर्म में क्या करना, एनर्जी को स्टोर करना। अब ध्यान से देखना बेटा, जब कैपेसिटर आपके पास एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है चार्ज के फॉर्म में, तो हमारे पास एक और ऑप्शन बनता है, क्वेश्चन बनता है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास बन के आता है कि सर जब आप बोल रहे हो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है चार्ज के फॉर्म में, तो बैटरी के बारे में क्या ख्याल है आपका, बैटरी के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो बैटरी भी साहब क्या है, एक डिवाइस है, बैटरी भी एक डिवाइस है जो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर, अगर दोनों सेम प्रोसेस, सेम वर्किंग कर रहे हैं, सेम सारी चीजें हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है कैपेसिटर और बैटरी के बीच में, ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट में बताओ कि कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो तो आगे हम बताते हैं कि कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है बेटा, ध्यान से समझना। कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है बेटा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये दोनों के दोनों प्रोसेस बहुत ही फास्ट होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ना दोनों ही बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज, जैसे जिस चार्ज हो तुरंत डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, इतना तेजी से इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है। मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है ना, वो बेहतरीन एग्जाम्पल है कैपेसिटर का, डन है, और आप अगर उसको ट्राई भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप कॉन्टिन्यूस शॉट लेते हो ना, लेकिन फ्लैश लाइट ऑन करके, तो जैसे आप कॉन्टिन्यूअस शॉट के लिए क्लिक करते हो तो उसमें सीधे सीधे लिख के आता है कि कॉन्टिन्यूअस शॉट इज नॉट अप्लाइड ऑन फ्लैश, है ना, फ्लैश अप्लाई करने के बाद आपको कॉन्टिन्यूअस शॉट नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि फ्लैश जब जलता है आपका ना, तो एक साथ सारी की सारी एनर्जी दे देता है, क्योंकि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होता है, जितने एनर्जी लिया सारी की सारी एनर्जी एक बार में दे दिया कैपेसिटर, तो इसकी चार्जिंग जितनी, सपोज कैपेसिटर को आपने चार्ज किया, चार्ज किया और जितना जल्दी चार्ज हुआ, आपने कैपेसिटर को एक बार लगाया जैसे सर्किट में, तुरंत डिस्चार्ज हो गया, सारी एनर्जी अपनी तुरंत दे दिया, फिर तुरंत एनर्जी लेकर के चार्ज हो जाता है, फिर तुरंत डिस्चार्ज, इतनी जल्दी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है ना कि विद इन सेकेंड ये चार्जिंग, विद इन सेकेंड ये डिस्चार्जिंग।
लेकिन बैटरी के साथ कंडीशन क्या होता है ना बेटा, बैटरी का चार्जिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ठीक है, डिस्चार्जिंग ये दो के दोनों बहुत ही स्लो होते हैं, स्लोली होते हैं। बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही स्लो होता है, जबकि कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है ना, एनर्जी स्टोर्ड, थोड़ा सा इससे पहले एक और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कैपेसिटी। आप कह रहे हो कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है पता है आपको? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी स्टोर कितनी कर रहा है उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, डन है बेटा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। और इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या बेटा, कैपेसिटेंस, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सी का फार्मूला होता है क्या, क्यू अपान वी होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान वी। इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है, क्या होती है, फेरेड होती है। अब थोड़ा सा समझिएगा, जैसे रेजिस्टर की जब हमने बात की थी ना, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को आपको मैंने बताया था कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपान आई, आर इक्वल्स टू क्या था, वी अपान आई। तो ध्यान से समझिएगा, आर इक्वल्स टू वी अपान आई था, लेकिन आर डिपेंड किस पे करता था, आर ना तो वी पे डिपेंड करता था ना ही आई पे डिपेंड करता था। आर जो है ना तो वी पे डिपेंड कर रहा था ना ही आई पे डिपेंड कर रहा था। तो जब आर वी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, आई पे भी डिपेंड, डिपेंड किस पे कर रहा था? तो आर आपने बताया था, आर साहब डिपेंड करता है किस पे, डायमेंशन पे, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ वगैरह पे, ए वी और आई पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो वैसे ही कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर जो होता है ना, इसमें दो पैरेलल प्लेटें लगी होती हैं, एक प्लेट को आप अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो ना, तो दूसरा प्लेट इंडक्शन की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, इंडक्शन की वजह से अपने आप निगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच में आप अलग अलग मटेरियल भरते हो या एयर रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में अभी नहीं, थोड़ी देर में बातें करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कैपेसिटर के दो प्लेटें होती है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, स्मॉल डी है। अब सुनना, जब ये सी ना तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है ना तो वी पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटेंस की बात करते हैं अब, थोड़ा कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस जो सी होता है ना, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये डिपेंड करता है, पहला पॉइंट है आपके पास क्या, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दूसरा एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है ना, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये इस पे, इन दोनों पे कैसे डिपेंड करता है, ये बातें करते हैं। सी इज इक्वल टू होता है एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी, क्या होता है इसका फार्मूला, सी इज इक्वल टू होता है एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। अब ध्यान से देखो, मतलब इसका क्या हो गया, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू प्लेटों के बीच के एरिया को बढ़ाओगे ना तो बढ़ेगी, लेकिन डी को बढ़ाओगे तो घटेगी, उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो घटेगी। अब इसमें देखना क्या होता है, और साथ ही साथ ये मीडियम के कांस्टेंट के पे भी डिपेंड करता है, मीडियम के कांस्टेंट के पे भी डिपेंड करता है, ये इस पे बात करेंगे आगे, डाइलेक्ट्रिक वगैरह की। तो अभी अभी समझते हैं, ध्यान से देखना, जैसे मान लिया बेटा ये दो हमारी प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में हमें 1,000 लोगों को बिठा के रखना है, 1,000 लोगों को बिठा के रखना है। अब मैं चाहता हूं 1,000 लोग आके बैठ जाओ और मैं अपने हाथ को ऐसे फैला दूं, मैंने कहा अब बैठो आराम से, तो वो भागेंगे नहीं इधर उधर, कोई तो इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से, उनको कलेक्ट कर पाना टफ होगा अगर इन प्लेटों के बीच के हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, कलेक्शन तो ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, लेकिन उनको इकट्ठा रख पाना टफ हो जाएगा, उनके पास भागने के बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, है ना। तो हमने कहा भागो नहीं, और इन दोनों को क्या कर दिया हमने,
पास कर दिया। और जैसे इन दोनों को हमने पास पास लाया ना, अब हमारे पास इनको कवर करने के लिए एरिया क्या हो गया, एरिया तो खूब लंबा सा कर दिया, लेकिन आगे मैंने बाहर द ग्रेट खली को खड़ा कर दिया। मैंने कहा ये भी चार्ज बाहर नहीं जाने चाहिए, तो उसने क्या किया ऐसे खड़ा हो गया, कोई भी चार्ज बाहर नहीं निकल पा रहा है ना। तो ऐसे में चार्ज को कलेक्ट कर पाना आसान होता है। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनेगा, प्लेटों के एरिया को बढ़ाना होगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या करना होगा, कम से कम करना होगा। ठीक है, तो ऐसे करने पे हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, बोले तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई है और मैं चाहता हूं यार कि नहीं सर ये एरिया ऐसे एरिया हम नहीं बढ़ाना बढ़ाना चाहते हैं ना, ये हम डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, इतना बड़ा सा हम कैपेसिटर बनाना चाहते हैं लेकिन उसकी स्टोरेज पावर बढ़ जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेना, बढ़वा देते हैं हम, है ना। आपने कहा हाँ सर, इसकी प्लीज कैपेसिटी आप बढ़वा दो। मैंने कहा ठीक है, अब हमें करना क्या होगा ना, मान लिया आपसे कहा जाए कि सर 1 लीटर का मेरे पास बॉटल है, 1 लीटर का, जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, और आपसे कहा जाए बेटा इसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी भर के दिखाओ, बॉटल को बड़ा बड़ा नहीं करना है, आप इसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी भर के दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे में अब हम अगर बात करें कि सर आप बोलोगे सर ये इम्पॉसिबल है, 1 लीटर उसकी कैपेसिटी, तो कैसे 1 लीटर से ज्यादा भर देंगे, उसके बीच का हम मीडियम को चेंज करेंगे। ठीक है, उस बॉटल के मीडियम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अंदर का जो मीडियम है ना वो चेंज करेंगे, उसके बीच में सैंड भर देंगे, तो सैंड भरने से भी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कुछ ऐसी मिट्टी भर देंगे जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, तो हम उसे ज्यादा वाटर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके हम वाटर की कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, उस बॉटल की कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हम इस कैपेसिटेंस की भी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर है ना, ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके एक प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएंगे प्लेटों पर। इसके बीच में अभी क्या है, एयर है। आपने कहा साहब बीच की मीडियम को चेंज कर दो, क्वालिटी बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया ना, एयर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एयर को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। अब इसके बीच में हम कोई मीडियम ला करके फिलअप करना चाहेंगे, इसके बीच में हम क्या करना चाहेंगे, कोई मीडियम ला करके भरना चाहेंगे। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया ना, एक मटेरियल का सिलेक्शन किया, कौन सा मटेरियल है बेटा, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, कौन सी मटेरियल बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, आपके मन में ये भी आएगा क्वेश्चन कि सर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, तो बताते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल समझना बेटा, ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्या पोलर और एक होता है क्या नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइक इंसुलेटर होता है, बट जब इसको आप ले जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो ये इंसुलेटर वाली बिहेवियर भूल जाता है, फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब इसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली। जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बाहर रखोगे कहीं, ठीक है, या कहीं भी रखोगे एक जगह छोड़ के, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ कर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ करके कहीं भी रखा ना, ये इंसुलेटर बना बिहेव करेगा, अरे नहीं मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करनी है। लेकिन अगर आप डाइलेक्ट्रिक को उठा करके ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, एक्टिव हो जाएगा तुरंत, ओए मेरे को तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, मेरे को कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी शो करनी है। तो ये एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते ही कैसा बिहेव करना लगता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ना बेटा, ये लाइक इंसुलेटर होता है, लाइक इंसुलेटर होता है, बट इनसाइड, ठीक है बेटा ये ध्यान रखिएगा, इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर है वो कैसा हो जाता है, कंडक्टर की तरह हो जाता है। बिहेवियर इसका कैसा हो जाता है, कंडक्टर की तरह हो जाता है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर नॉन पोलर दो टाइप के होते हैं, पोलर
पोलर में इनकी पोलरिटी जो होती है ना अलग अलग होती है, पोलरिटी क्या होती है अलग अलग होती है, और नॉन पोलर में ना ये एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, मतलब सेपरेट नहीं होते, पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट नहीं होते, तो नॉन पोलर और सेपरेट होते हैं तो पोलर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे ही डायलैक्ट्रिक मटेरियल को लाके रखा था, इसके बोल जो है ना वो सेपरेट होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगने लगेगा, तो ये प्लस वाला इसके अंदर के पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, इसके अंदर के निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को धक्का देगा, फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव डन है। और इस तरीके से ये निगेटिव पॉजिटिव का क्या होता है, सारे के सारे पोल सेपरेट हो जाते हैं। अब जैसे ही पोल सेपरेट हुए ना कंडक्टिविटी आ गई, इससे पहले जब ये एक दूसरे पे ओवरलैप किए हुए थे ना तो इनके पास क्या था, इंसुलेटिंग वाइब्रेशन, यार अपनी जिंदगी तो स्टेबल है, पॉजिटिव निगेटिव मिल गया जिंदगी स्टेबल है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट हुए ना जिंदगी अनस्टेबल हो गई, और अनस्टेबल जब हो गई ना तो फिर वही पॉजिटिव निगेटिव ढूंढो पॉजिटिव निगेटिव ढूंढो है ना, फिर वही अनस्टेबिलिटी, और अनस्टेबिलिटी में फिर स्टेबिलिटी लाने के लिए भाग दौड़ करेंगे, और जब चार्ज का भाग दौड़ तो कंडक्टिविटी हो जाती है, चार्ज जब पॉजिटिव निगेटिव एक साथ थे ना तो इनको स्टेबिलिटी मिली है, मेरे को कोई भाग दौड़ नहीं करनी है, लेकिन जब यही ब्रेकअप होता है ना चार्ज अलग अलग होते हैं, अब ये भी अलग ये भी अलग, इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए, अब ये फिर भागेंगे इधर उधर अनस्टेबिलिटी ढूंढने के लिए, और स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए चार्ज भागेंगे, और चार्ज जब रन करेंगे तो चार्ज की रनिंग की वजह से क्या होती है कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जैसे आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, तो ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, लेकिन इनसाइड ध्यान से देखना, इनसाइड भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये डाइपोल की वजह से है ईडी, ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी थोड़ी सी है ना, तो अनस्टेबिलिटी आएगी ये भाग दौड़ करेंगे, भाग दौड़ की वजह से इनके अंदर फिर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देंगे, तो इसके बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर मिला दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से बिना हम डायमेंशन को चेंज किए हुए भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, ड्यू टू चेंज इन डायमेंशन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच के मीडियम को हम चेंज करके भी क्या करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है ना, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी क्या होता है कैपेसिटेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस है ना बेटा, और वी क्या है आपका पोटेंशियल, और वी वी क्या है आपका, चलिए फिर से मैं लिख देता हूं, एनर्जी स्टोर्ड एन अ कैपेसिटर, ठीक है, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ये यू है अपने पास, यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे यू क्या है अपने पास, यू क्या है एनर्जी है, सी क्या है कैपेसिटेंस है, क्या बेटा कैपेसिटेंस है, और वी क्या है अपने पास पोटेंशियल है, ठीक है पोटेंशियल है, यहां से आप ये निकाल सकते हो कि कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, यानी हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर एनर्जी क्या करेगा स्टोर करेगा, तो ये रहा हमारे पास चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितना पॉसिबल क्वेश्चन है अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही लगता है बच्चों।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अपना टारगेट है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने का, ठीक है, जो आपके थ्रू हम पहुंच सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू।